हेलो पबजी लवर्स, कैसे हो आप सब। मैं स्तबिंदास फर्स्ट क्लास चेक कास्ट। तो गाइज हमेशा ऐसे ही रहो और खुश रहो। तो गाइज आज के दिन यहाँ पे पबजी मोबाइल के अंदर एक 8 मैट्रिक आउटफिट्स वाली स्पिन फाइनली आ चुकी है, जिसके अंदर बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग से रिवॉर्ड्स है। तो वैसे तो मेरे पास यूसी नहीं है तो आपको स्पिन करके तो नहीं दिखा पाऊँगी, बट बहुत से बंदे मुझे कमेंट करके बोल रहे थे कि इसके अंदर आके स्पिन करना है तो कैसे करना है। तो वही सब कुछ गाइज मैं आज इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूँ। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो गाइज यहाँ पे इवेंट के ऊपर जो अलग अलग बैनर है उसके अंदर आप लोगों को फर्स्ट वाले बैनर के अंदर एक इवेंट देखने को मिल जाएगी, जिसका नाम गाइज यहाँ पे सेलेस्टियल पावर है। तो इसको आप लोगों को नॉर्मली यहाँ पे ओपन कर लेना है। अब गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसके अंदर आप लोगों को टोटल 8 आउटफिट्स देखने को मिल जाएंगे। 4 कैरेक्टर है उसके, जो ये वाले आउटफिट है ना वो आउटफिट है और बाकी हेडगियर भी मैथिक्स है, इसीलिए उसको मैथमेटिक आउटफिट सब लोग बोलते हैं। देखने में तो 4 आउटफिट और यहाँ पे 4 हेडगियर है, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे क्या है कि इसके अंदर ढेर सारे अलग अलग यहाँ पे रिवॉर्ड्स है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो पैन की स्किन है, होवरबोर्ड की स्किन है, नेक्स्ट पैराशूट, एकेएम की स्किपिन, बहुत कुछ यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो गाइज यहाँ पे क्या होगा कि जैसे जैसे आप लोग यहाँ पे ड्रॉ करते जाते हो तो आप लोगों की अगर 100 ड्रॉ हो जाते हैं तो यहाँ पे जो लेजेंडरी वाला बॉक्स है वो एक्टिवेट हो जाएगा और इसमें से कोई सा भी रैंडम रिवॉर्ड आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद अगर इसके अंदर आप लोग 1000 स्पिन कर लेते हो तो आप लोगों का मैथिक वाला यहाँ पे बॉक्स ओपन हो जाएगा और इसमें से कोई सा भी रैंडम आउटफिट आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। अब गाइज यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे पढ़ के मैं आपको इसके रूल बता देती हूँ ताकि आप लोग और अच्छे से यहाँ पे समझेंगे कि कैसे इसको आप लोगों को स्पिन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज आप लोग देख सकते हो फर्स्ट रूल्स के अंदर यहाँ पे ये लिखा है कि इस इवेंट के अंदर अगर आप लोग फर्स्ट ड्रॉ करोगे वो यहाँ पे 10 यूसी से कर पाओगे, ठीक है। अब बहुत से बंदे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि जैसे हर स्पिन के अंदर डेली हम लोगों को 10-10 वाली फर्स्ट स्पिन मिलती है वैसे ही इसके अंदर होगा, तो गाइज इस स्पिन के अंदर ऐसा नहीं होता, ठीक है। इस स्पिन में आपको डेली 10-10 यूसी की स्पिन नहीं मिलेगी, सिर्फ फर्स्ट वाली स्पिन ही जो आप लोग करोगे वो 10 यूसी की रहेगी। जैसे कि देखो आज के दिन ये फर्स्ट वाली स्पिन है वो मुझे यहाँ पे 10 यूसी की दिखा रहे हैं, तो फर्स्ट स्पिन आपकी 10 यूसी से होगी। उसके बाद आप लोग कभी भी इसके अंदर स्पिन करो तो वो 60-60 यूसी की होगी, ठीक है। डेली 10-10 यूसी की इसमें नहीं होती, ये फर्स्ट रूल के अंदर लिखा है। उसके बाद सेकेंड रूल की बात करें तो यही लिखा है जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया कि 100 बार आप लोग स्पिन कर लेते हो तो एक लेजेंडरी आउटफिट मिल जाएगा और 1000 बार कर लेते हो तो एक मैथिक आउटफिट मिल जाएगा। फिर फोर्थ पॉइंट के अंदर गाइस यहाँ पे ये लिखा है कि इस इवेंट के अंदर जैसे जैसे आप लोग ड्रॉ करते जाते हो और अगर आप लोगों की कोई डुप्लीकेट आइटम निकलती है तो यहाँ पे उसके थ्रू आप लोगों को कॉइन मिल जाएंगे। जो कॉइन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये वाले यहाँ पे जो कॉइन है वो आपको मिलेंगे और इसको रिडीम करके भी गाइज यहाँ पे आप लोग ढेर सारे, मतलब इसी कॉइन से आप लोग ढेर सारे आउटफिट्स भी यहाँ पे रिडीम कर सकते हो। जैसे ये आउटफिट आप लोग देखो 600 के हैं, इनके हेडगियर 300-300 के हैं। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे और भी ये सारे रिवॉर्ड मिलेंगे। और यहाँ पे एक बात और है कि इस पिन के अंदर अगर आप लोग यूसी खर्च करते हो और ये जो 4 सेट्स है वो चारों सेट्स आप लोगों के निकल जाते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे एक अवतार फ्रेम भी मिल जाएगी। मतलब कि 8 आउटफिट, 4 यहाँ पे आउटफिट, 4 इनके हेडगियर, ये 8 चीज़ अगर आप लोगों की निकल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पे ये जो फ्रेम है वो भी मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है वो मैं आपको बताती हूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का 5वां पॉइंट है, जिसके अंदर गाइज यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे आप लोग ड्रॉ करते जाते हो और जो प्रोसेस है वो 10x10 पे पहुँच जाती है तब आप लोगों का यहाँ पे लकी कार्ड एक्टिवेट होगा और वो लकी कार्ड यहाँ पे यूज़ हो जाएगा और यूज़ होने के बाद वो कार्ड इसके अंदर से रिमूव भी हो जाएगा। तो इसको मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊँ तो यहाँ पे आप लोग देखो सेंटर में आप लोगों को यहाँ पे जो स्पिन है वो यहाँ पे 9x10 लिखी है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हो और ये जो स्पिन के नीचे 10x10 लिखा आ जाएगा तब गाइज यहाँ पे जो कार्ड होगा वो आप लोगों का यूज़ होगा। जैसे कि फर्स्ट पे यहाँ पे 90 यूसी का मेरे को कार्ड दिखा रहे हैं, तो जैसे ही यहाँ पे 10x10 प्रोसेस हो जाती है तो फिर यहाँ पे ये वाला कार्ड यूज़ होके मेरी एक स्पिन होगी। उसके बाद वापस यहाँ पे क्या होगा कि एक बार ये कार्ड यूज़ हो जाता है उसके बाद आप लोगों को दूसरा कार्ड मिलेगा और जैसे ही आप लोगों की यहाँ पे 10x10 हो जाता है तो वो दूसरा कार्ड भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे यूज़ हो जाएगा जब आप लोग स्पिन करोगे और यूज़ होने के बाद वो कार्ड निकल जाएगा और वापस से आपको एक नया कार्ड मिलेगा, ठीक है। इससे पहले यहाँ पे स्पिन आती थी तो हम लोगों को यहाँ पे बूस्टर कॉइन और यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर सिल्वर से
हम लोग यहाँ पे अलग अलग कार्ड परचेज कर सकते थे, बट अब इसके अंदर ये वाला यहाँ पे चेंज कर दिया है। और इसका पांचवा पॉइंट यही कहता है कि जब यहाँ पे 10x10 प्रोसेस हो जाती है तब आप लोगों का जो लकी कार्ड है वो यूज़ आ जाएगा, और यूज़ होने के बाद वो कार्ड निकल जाएगा और वापस से आप लोगों को एक नया कार्ड मिलेगा। और जो नया कार्ड मिलेगा वो भी यहाँ पे 10x10 जब यहाँ पे प्रोसेस हो जाती है उसके बाद आपका दूसरा कार्ड जो नया होगा वो यूज़ होगा, फिर वापस से आपको नया कार्ड मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोगों को 10x10 की प्रोसेस के बाद ही यहाँ पे नए नए कार्ड मिलते जाएंगे, ये यहाँ पे पांचवे पॉइंट के अंदर लिखा है। उसके बाद यहाँ पे छठे पॉइंट की गाइज हम लोग बात करें तो इसमें यही लिखा है कि जैसे ही आप लोग लकी कार्ड यूज़ कर लेते हो तो इमीडिएटली आप लोगों को दूसरा कार्ड भी यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि मैंने आपको बता दिया। उसके बाद सातवें पॉइंट के अंदर ये लिखा है कि जब आप लोग यहाँ पे फर्स्ट बार स्पिन करते हो ना उसके बाद ही आप लोगों का कार्ड यूज़ आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पे आप लोग देखो स्टार्टिंग में आपको 9x10 ही प्रोसेस दिखा रहे हैं, तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे 10 यूसी का फर्स्ट स्पिन करोगे ना तो आप लोगों का यहाँ पे 10x10 प्रोसेस हो जाएगी, उसके बाद आपका ये कार्ड यूज़ में आ जाएगा और तुरंत आप लोगों को यहाँ पे नया कार्ड मिल जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट दो स्पिन आप लोगों के लिए ईजी रह सकती है, क्योंकि फर्स्ट स्पिन आप लोगों की 10 यूसी से हो जाएगी, 10 यूसी से करते ही आप लोगों की 10x10 प्रोसेस हो जाएगी और उसके बाद ये जो कार्ड रहेगा ना वो भी आपका यूज़ आ जाएगा। मतलब स्टार्टिंग के दो बेनिफिट है जो आपको यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद आठवें पॉइंट के अंदर यहाँ पे लिखा है कि जितनी जितनी यहाँ पे आइटम्स है उसके कितने कितने परसेंटेज चांसेस है यहाँ पे निकलने के, जो कि आप लोग यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेना, ये सब कुछ दिखाने चाहूँगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये जितने जितने इसके परसेंटेज लिखे हैं उतने उतने परसेंटेज है इनके चांसेस है मतलब निकलने के, ठीक है। तो आई होप आप लोग पूरी स्पिन को अच्छे से समझ गए होंगे, इसी तरीके से आपको स्पिन करनी है, आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चले गाइस अगर वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो वीडियो का लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।